यूथ सुपर वन सत्याचा बुलंद आवाज। गायत्री एंटरप्राइजेस, किचन ट्रॉली, स्लाइडिंग विंडो, एल्युमिनियम पार्टीशन, फ्रेंच डोर, डोमल विंडो, टफन ग्लास फिटिंग आणि सर्व प्रकारचे किचन रोलिंग विंडो डोर्स पार्टीशनची कामे करण्याचे विश्वसनीय ठिकाण। आमचा पत्ता प्रोप्रायटर महेश क्षीरसागर, लॉ कॉलेज समोर, निवास रोड श्रीरामपूर, जिल्हा अहमदनगर। मोबाईल क्रमांक 87 88 57 71 58। महाराष्ट्रातील स्थानिक दिव्यांग क्रिकेट खेळाडूंना देश पातळीवर आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवर खेळण्याची संधी मिळावी आणि या खेळाडूंमधून भारतीय मुख्य दिव्यांग क्रिकेट संघासाठी महाराष्ट्रातून प्रतिभावान खेळाडू निवडता यावे या हेतूने मुंबई दिव्यांग क्रिकेट असोसिएशन अंतर्गत दिव्यांग क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया यांच्या संयुक्त विद्यमाने दिव्यांग क्रिकेट खेळाडूचे मुख्य संघ निवड चाचणी कॅम्पचे आयोजन कोपरगाव तालुक्यातील कोकमठाण येथील आत्मा मलिक क्रिकेट अकॅडमी ग्राउंड या ठिकाणी संपन्न होत आहे। सदर कॅम्पमधून महाराष्ट्रातून भविष्यातील भारतासाठी खेळणाऱ्या दिव्यांग संघासाठी लागणाऱ्या खेळाडूंची निवड केली जाणार आहे। मैं मुंबई दिव्यांग क्रिकेट एसोसिएशन का सेक्रेटरी हूँ और एज ए इंडियन इंटरनेशनल प्लेयर हूँ। अभी जनवरी में बांग्लादेश टूर से आया हूँ। अभी जो हम लोग को यहाँ पे जो हम लोग इवेंट ले रहे हैं मुंबई दिव्यांग क्रिकेट एसोसिएशन का, ये एक नेशनल इंटरनेशनल के लिए ही लिया जा रहा है और इसमें जो हम लोग को सपोर्ट मिला है, जो हमारे स्पॉन्सर है भगवान तलवार सर निम्बा, उन्होंने बहुत अच्छा हमको सपोर्ट किया है। और यहाँ पे हम जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं जिसमें बेहतरीन खिलाड़ियों को अच्छी सी होटल सुविधा दी गई है, बेहतरीन फूड दिया गया है, हाइजीनिक हर चीज़ का एक ध्यान रखा जा रहा है, टाइम टू टाइम उनका केयर किया जा रहा है, उनको ट्रैवलिंग फैसिलिटी दी गई है, चाहे वो बस स्टैंड से हो, रेलवे स्टेशन से हो, आने जाने के किया जा रहा है, उनकी हर चीज़ को चेक किया जा रहा है। और हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हमारे भगवान तलवार सर का, जिन्होंने हमको ये अपॉर्चुनिटी दी है। और हम सभी खिलाड़ियों को भी धन्यवाद करते जो हमारे पर इस सिलेक्शन में आए, और हम इस बात की अपेक्षा करते हैं कि हमारे पास एक बेहतरीन टीम आने वाले इस पीरियड में मौजूद रहेगी। और हम सभी इस न्यूज़ को देखने वाले सभी मतलब लोगों से अपेक्षा करते हैं कि वो हमारे टीम को ज़्यादा से लाइक करें, शेयर करें, और जो भी आप लोगों से हमारे लिए दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए हो सकता है वो सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच। जिसके अंदर दिव्यांग क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड में अभी गए साल ही हमने शारजा में, जैसे कि आईपीएल जैसे होता है उसी के तर्ज के ऊपर हमने डीपीएल करवाया था, दिव्यांग प्रीमियर लीग, जिसके अंदर हमने 8 टीमें पार्टिसिपेट की थी। और हमें दुबई के शारजा के जो इंटरनेशनल ग्राउंड है उसके अंदर हमने ये टूर्नामेंट करवाया था। और अभी आगामी होने सितंबर में हमारा इंडिया बांग्लादेश सीरीज होने वाला है। जैसे इंटरनेशनल सीरीज हुआ, नेशनल सीरीज होते हैं, ये एक्चुअली हमने कैंप लेने का जरूरी इसलिए समझा कि हमें एक मुंबई टीम बनानी है। जैसे दिव्यांग क्रिकेट एसोसिएशन जो मुंबई है वो इसका संचालन करेगी मुंबई टीम के, और ये हमने कैंप रखा है। इस कैंप के अंदर महाराष्ट्र से कुछ 40 से 50 लोग आए हैं, इसके अंदर से हम मुंबई टीम सेलेक्ट करेंगे। और 8 तारीख को मुंबई वर्सेस गुजरात का टूर्नामेंट होने वाला है, जिसके अंदर लड़के लोग को अपनी जो परफॉर्मेंस है वो दिखाने का मौका मिलेगा। और इसके अंदर से जो बेस्ट प्लेयर है, 2 या 3 मुंबई से बेस्ट प्लेयर, हम कोशिश करेंगे कि बोर्ड की तरफ से मैं सिफारिश करूंगा खुद कि ये प्लेयरों को डीपीएल में चांस दिया जाए, जिससे कि उनको एक इंटरनेशनल लेवल उनको प्राप्त हो सके। और हमारे बोर्ड का एक ही उद्दिष्ट है कि हमें खिलाड़ियों को एक मुकाम देना है, एक उनको पहचान देनी है कि जब हम इंडिया टीम में खेलते हैं तो लोग हमें पहचानते हैं, नहीं तो एक ही रहता कि ये दिव्यांग है। अभी ये मुंबई टीम के जो प्लेयर है जमीर खान पठान, इनका ही मैं बता देता हूँ कि ये जब यहाँ पे खेलते थे तो वो सिर्फ एक दिव्यांग प्लेयर के नाम से जाना जाते थे, पर जब से ये बांग्लादेश में T20 सीरीज खेल के आए, पर अभी उनको
एक इंटरनेशनल प्लेयर दिव्यांग है वो हिसाब से बुलाते हैं, और इसको अभी जो बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं, अभी दही हंडी का प्रोग्राम है, गणेश का, गणेश उसमें इनको चीफ गेस्ट बनाते, उनका एक गौरव उनको एक मिलता है कि ये हमारा एक ही इम्पोर्टेंट है हमारे बोर्ड का कि हम खिलाड़ियों को एक अपनी पहचान देना चाहते हैं। इंडिया के अंदर अदर भी बोर्ड है पन सबसे ज्यादा दिव्यांग क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया के टूर्नामेंट होते हैं, और नेशनल हुआ, इंटरनेशनल हुआ, और हमारे साथ में व्हीलचेयर, स्टैंडिंग, डेफ, ब्लाइंड और महिला क्रिकेट भी इसके अंदर शामिल है। और ये जो सिलेक्शन कैंप जो हो रहा है, इसके जो स्पॉन्सर है तलवारे सर, मैं उनका धन्यवाद कहना चाहता हूँ। और ऐसे लोग आगे आइए, हम दिव्यांग ये ना सोचो कि हम दिव्यांग है, हम डिफरेंटली एबल है, मतलब सबसे हम अलग है। जैसे दिव्यांग ये शब्द दिया गया है तो हम एक दिव्य और एक अंग, मतलब हमने ये करके दिव्यांग हम सबसे अलग है। तो हमें आप हमें दिव्यांग के रूप से मत देखो, हमारी प्रतिभा आप जानिए, हम क्या कर सकते हैं उसको आप प्रोत्साहन दीजिए और आगे आइए, और हमारे दिव्यांग क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया और मुंबई टीम को सहकार्य करो और दिव्यांग को सपोर्ट करो, यही मैं कहना चाहूंगा। थैंक यू। सदर कैम्प साठी मैदान, चांगली सेवा सुविधा उपलब्ध केल्याबद्दल सर्वांनी मुंबई महाराष्ट्र हेड ऑफ DCCBI क्रिकेट असोसिएशनचे अध्यक्ष तलवारे भगवान लिंबा यांचे आभार मानले। सबसे पहले ये कैम्प हम मध्ये मुंबई दिव्यांग क्रिकेट असोसिएशन DCCBI के अंडर में हो रहा है, और यहाँ पर ऑल महाराष्ट्र के खिलाड़ी आए हुए हैं। तो इसके बाद जो बहुत ही बड़ा टूर्नामेंट हम DCCBI के क्रिकेट बोर्ड के अंडर में, विदर्भ के जो मिश्रा सर है इनके अंडर में नेशनल का टूर्नामेंट खेलने जाने वाले हैं, और जो हमारा बोर्ड के हेड है हारून रशीद सर तो उनके सपोर्ट से, और हमारे जो स्पॉन्सर है भगवान सर, इनके और से हमारी ये इतनी फैसिलिटी मिल रही है। कहाँ कहाँ यहाँ के प्लेयरों को खेलने का मौका मिला है, और इस बार जो प्लेयरों का यहाँ पर सिलेक्शन होगा इन्हें कहाँ मौका दिया जाएगा खेलने के? और अभी यहाँ पर सब ऑल महाराष्ट्र के जो भी खिलाड़ी आए हुए हैं इनका भविष्य बहुत अच्छा है आगे। और जो मीटिंग की बोर्ड की जो मीटिंग हुई थी, जो एनुअल मीटिंग हुई थी दिल्ली में, आगरा में, तो पूरा 8 महीने का शेड्यूल पूरा आ गया है। साल भर में कम से कम 12 टूर्नामेंट हमारे को DCCBI के अंडर में खेलने को मिलेगा। तो इसमें सभी खिलाड़ी, जितने भी दिव्यांग खिलाड़ी है, सबको इंटरनेशनल सुविधा मिलेंगी, ये सब बोर्ड कर रहा है। तो जो भी हमारे को ये जो फैसिलिटी मिल रही है, तो 5-star होटल है, और ये जो ग्राउंड अवेलेबल करके दिया है हमारे जो स्पॉन्सर है भगवान तलवार निम्बा सर, जो कि हमारे सब दिव्यांग लोगों के लिए इतना कुछ किया है उन लोगों ने, सब इंटरनेशनल फैसिलिटी के तरीका हमको उन लोगों ने दिया है। तो हम सब दिव्यांगों के क्रिकेटरों की तरफ से हम सब उनको थैंक्स कहना चाहते हैं, और ऐसा ही सपोर्ट हमारे बोर्ड को और मुंबई दिव्यांग क्रिकेट एसोसिएशन को करते रहे, और वो हमारे मुंबई महाराष्ट्र और मुंबई के हेड है, इसलिए हम उसका उन सब लोगों का धन्यवाद कहना चाहते हैं। कोपरगाव।